नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि भाई आप यूएई में रहते हैं या किसी भी देश में रहते होते हैं, पर्टिकुलर एक देश की बात नहीं है, सभी देशों पे ये बात लागू होते हैं, किसी भी देश को छोड़ते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यार आप लंबे समय से 10-15-20 सालों से यूएई में रह रहे हैं अपनी विद फैमिली के सहित, या फिर सिंगल भी रह रहे हैं, आपको आपकी एज हो जाती है या फिर आपको लगता है कि यार आप बस इस देश में इतना ही जॉब करेंगे, हम अपने देश में वापस जाएंगे या फिर अपने घर पे वापस चलेंगे, वहाँ कोई बिजनेस करेंगे, कुछ भी आपकी थिंकिंग के साथ में आप उस देश को छोड़ते हैं, छोड़ने का प्लान बनाते हैं, तो आपको उन 10 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आप 10 चीज़ों को निपटा लेना चाहिए, ताकि आपको उस देश से एक तो आप आराम से बाइज्जत आप निकल सको, आपको कोई दिक्कत पीछे से कोई परेशानी ना हो, ठीक है जी। क्योंकि यार वही बात है, हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं, व्यवहार सही रखते हैं तो हम दोबारा उसके पास जाने लायक होते हैं, समझ गए। एक बार व्यवहार कर लिया, समय पे उसको पूरा नहीं कर पाए तो दोबारा वहाँ पे नहीं जा सकते। सेम कंडीशन भाई यूएई का भी ऐसा ही है। 10 टॉपिक मैं बताऊंगा कि इन सब को निपटाने के बाद ही आप यूएई छोड़ो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी इज्जत भी बनी रहेगी, आप जब भी दोबारा वहाँ पे जाना चाहो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, वरना आपको एयरपोर्ट पे भी दिक्कत आ सकती है। जी हाँ, डिटेल से हम बात करेंगे भाई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें, 10 बातें कौन सी हो सकती है, जैसे मकान मालिक को नोटिस देना, आगे हम डिटेल से बात करेंगे, अपना मोबाइल नंबर ट्रांसफ़र करना, सामान की बिक्री दान वगैरह, सामान का क्या करना चाहिए, बच्चों के रिलेटेड आप पढ़ाते हैं तो उसका क्या करना चाहिए, आपके बिल वगैरह पड़े हैं तो उनका क्या करना चाहिए, बैंक आपका खाता है तो उसका क्या करना चाहिए, आपका वीज़ा है उसका भी ऑप्शन होता है, उसको रद्द कैसे करें, लेन देन वगैरह, अन्य और भी बहुत सारी बातें होती हैं जिनको आपको समाधान करना चाहिए। पूरा डिटेल से जानिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रख सकते हैं ताकि हर रोज आपको वीए से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप भाई जिस भी आप मकान में रहते हैं, वो मकान तो आपका नहीं है, आप लगभग 99% लोग वहाँ पे रेंट से रहते हैं, जी हाँ, जो भी लोग रहते होंगे वो आप अपने मालिक को नोटिस देना होता है, जी हाँ, कई कानूनी पत्र आपको देना होता है, जिसमें आप जब मान लीजिए आपका किराया अभी 6 महीने का और आपका अग्रीमेंट पड़ा है अभी आपको छोड़ना है, तो उसमें एक तो आपका पक्ष मजबूत होता है कि आपने एक नोटिस भिजवाया, उसमें आपने लिखा है कि भाई मैं रूम छोड़ना चाहता हूँ, ये मेरा रीज़न है, तो आपको किराए में छूट मिल सकती है, जी हाँ, क्योंकि एक साहूकारी हो गई, आपका कानूनी पक्ष मजबूत हो रहा है, आपने एक नोटिस अपने जो मकान मालिक है उसको भिजवा दिया, जी हाँ। अगर फिर भी वो बोलता है नहीं हम आप अभी जाओ निकलो चाहे, लेकिन हम किराया पूरा लेंगे, तो उस पर आप उस आपने जो कानूनी नोटिस उसको भेजा उसकी कॉपी आप एक रेंटल जो बता दूँ विवाद केंद्र सेंटर है वहाँ पे, वहाँ पर भी जमा करा सकते हैं मकान मालिक के खिलाफ में कि मैं रूम छोड़ना चाहता हूँ लेकिन ये किराया पूरा, तो उसमें आपका समझौता होता है, जी हाँ। तो एक आपके मकान मालिक से आपको मंजूरी प्रमाण पत्र मिल जाता है कि मकान का आप इन्होंने छोड़ दिया है, हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भाई पूरा कानूनी होता है, लीगल अग्रीमेंट होता है, तो जिसमें आप बीच में छोड़ देते हो, लीगल अग्रीमेंट कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको फिर दिक्कत आती है, जी हाँ। उसमें प्रमाण पत्र इसलिए देना मिलता है उसकी तरफ से, आपकी तरफ से उनको, कि उसमें आपके जैसे गैस का कनेक्शन ले रखा है, टीवी का कनेक्शन ले रखा है, एसी वगैरह हैं, फ़ोन, वाईफाई आदि बहुत सारे आपने कनेक्शन ले रखे हैं, तो उनको सबको उसका बिल भरवा के जमा के आपको प्रमाण पत्र मकान मालिक को देना होता है, तब वो सिग्नेचर करेगा कि जी हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है, आप फ्री हो, आप जा सकते हो। तो ये काम आपको सबसे पहले ही कर लेना चाहिए जब आप रूम छोड़ते हो, तो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है भाई, तुरंत ये प्रोसेस होने वाली बात है, जी हाँ। अगर दो नंबर पे अगर बात करें तो आपके पास एक मोबाइल नंबर होता है वीए का, जी हाँ, और वो नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपने लगभग बिलिंग वाला करवा रखा होगा, जो भी आपका प्लान आपने ले रखा होगा उसको आपको बंद करवाना पड़ेगा, अगर बंद नहीं करवाओगे तो पेंडिंग रह जाएगा आपका कंप्लीट बिल जमा करवा के, आपको लगता है कि भाई चलो आज इसको बंद करवाते हैं, ये 2-4 दिन में बंद हो जाएगा, फिर भी ये तो है नहीं कि आज ही नंबर बंद हो गया और आज ही आपको वीवी छोड़ देना है, उसके बाद भी आपको 5-10 दिन 15 दिन 20 दिन रहना पड़ सकता है, तो इसके लिए आप अपना कोई होम बाउंड आपका दूसरा पैक ले सकते हैं, जी हाँ। आपको पता है यार दुबई में 100 दिरहम से लेके 1-2 महीने तक की वैलिडिटी के कई प्लान मिल जाते हैं, जो आपके अस्थायी होते हैं वो 1-2 महीने के लिए चलते हैं, आप सबको पता ही होगा, तो उस वो सिम आप ले सकते हैं अपना काम निकालने के लिए, बाकी आपका ओरिजिनल नंबर है उसको आप खुद बंद करवाएं तो आपका अच्छा होगा आपके लिए, जी हाँ। 3 नंबर पर बात कर लेते हैं भाई सामान के बारे में, सामान, क्योंकि यार आप 5 साल 10 साल 15-20 साल से वहाँ पर रह रहे हैं तो आपका एक घर बन चुका है, धीरे धीरे आपने सामान इकट्ठा किया, बहुत सारा सामान हो सकता है, जैसे बेड है, सोफे हैं, या फिर कुर्सी टेबल, या एसी वगैरह, टीवी वगैरह, इतना बड़ा सामान है कि आप उसको कहाँ लेके जाओगे, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं, जी हाँ। या तो आप अच्छा क्वालिटी का जो सामान है उसको सेल कर सकते हैं, किसी भी, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं वो सेल कर लेते हैं, ले लेते हैं, या पर अपने कोई जानकार होते हैं उनको आप मोल भाव करके उनको दे सकते हैं, निपटान कर सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि उनको दान कर दीजिए,
बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे चैरिटेबल वहाँ पे हैं, तो वहाँ पे आप अपना सामान दे के आ सकते हैं कि भाई हमें यहाँ से निकलना है, हमारे पास सामान है। बहुत सारे लोग देते हैं ऐसा, आपको सबको पता ही होता है, उसका निपटाना जरूरी होता है। जी हाँ, उसमें आपको ये सोचना होगा कि भाई कौन सा सामान अच्छा है, उसको आप इंडिया, अगर आप इंडिया से हैं तो आपको इंडिया शिफ्ट करना है। बहुत सारे लोग सोच, आपको पता है कार्गो करते हैं, तो उसमें आपको लगता है भाई ये अच्छा अच्छा सामान है, इसको हम इंडिया भेजना चाहते हैं, तो उसको आप कार्गो कर सकते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन भी अपना सामान की सेलिंग कर सकते हैं कि आपको लगता है कि ये यार महंगा सामान है, 20-30 हज़ार दराम का हो सकता है, तो आप उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, कबाड़ को बेच सकते हैं। जी हाँ, अगर कबाड़ सामान है तो कबाड़ को वहीं छोड़ दें या कबाड़ी को बेच दें, ऐसा कुछ हो सकता है। तो सामान का निपटारा आपको पहले ही समय रहते हुए कंप्लीट कर लेना चाहिए। जी हाँ, चार नंबर पे बात करें भाई कार, अगर आपके पास घर है तो 100% आपके पास कार है, नो डाउट, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं। अब कार को क्या करोगे भाई, साथ में तो घर लेके नहीं आ सकते, तो इसका भी समाधान आपको करना पड़ेगा। कार हालांकि सबके पास होती है, दोस्तों के पास वगैरह, लेकिन फिर भी आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें, क्योंकि यार आपके मोबाइल में बहुत सारे, कम से कम 200-400 कॉन्टैक्ट नंबर वीवी में ऐसे होते हैं, उसका एक फोटो वगैरह अच्छी अच्छी लें और उसको दोस्तों पे शेयर कर दें, भाई ये कार है इतना नंबर मॉडल और मैं इसको सेल करना चाहता हूँ इतने रुपये में, तो लगभग आपकी डील हो जाएगी 100%। अगर वहाँ पर भी नहीं होती है तो डीलर सब जगह मिलते हैं भाई, डीलर को बेच दें, हालांकि वहाँ पे थोड़ा बहुत बोल भाव का मिल सकता है, लेकिन डीलर को बेच के उसको निपटा देना आपको लिए जरूरी होगा अपनी कार को। जी हाँ, आगे आ जाते हैं भाई पाँच नंबर पे। जी हाँ भाई, आप काफ़ी टाइम से अगर बड़ा मकान लेके रहते हैं, सब कुछ है, तो आपके बच्चे भी, श्योर बात है, फैमिली भी आपके साथ में रहती होगी वहाँ पे, तो बच्चे वहाँ पे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो बच्चों की अगर आपको पता है यूएई छोड़ना है, तो भाई उनका बकाया जो भी है, जैसे उनकी फ्यूज हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर उनकी ट्यूशन फीस वगैरह होता है, वो सब आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जी हाँ, दुबई छोड़ने से पहले आपको बच्चों का सर्टिफिकेट आपको लेना होता है, एजुकेशन प्रमाण पत्र, वरना आप अपने देश में आओगे तो कैसे पता लगेगा कि भाई ये बच्चे वहाँ पे कौन सी क्लास में, तेरे यहाँ पे कौन सी क्लास में है, तो वहाँ से आपको सर्टिफिकेट, उनका एजुकेशन प्रमाण पत्र भी लेना पड़ेगा देश छोड़ने से पहले। जी हाँ, अन्यथा आपको इंडिया में आके साबित नहीं कर पाओगे। आपको बता दूँ, वहाँ पर दुबई में KHDA एक वहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड संस्था है, वहाँ से आपको अगर प्रमाणित डॉक्यूमेंट आप ले लेते हो, तो बच्चों को यहाँ आके एडमिशन करवाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। छः नंबर पे बात कर लेते हैं भाई बिलों का भुगतान। अब बिल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बात करें टीवी का बिल हो सकता है, आपके गैस का बिल हो सकता है, बिजली का बिल हो सकता है, या फिर ऐसे बहुत सारे आपने वाईफाई का कनेक्शन ले रखा है, उनके बिल हो सकते हैं, तो सभी को आपको ऑनलाइन भुगतान करके उनका कनेक्शन कटवाना होगा। इसमें 2-4 दिन लग सकते हैं, इसको प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करना होगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जी हाँ, ऑफिशियल बात है भाई, स्वाभाविक सी बात है, आपके पास में बैंक का अकाउंट भी होगा। 7 नंबर अगर पॉइंट की बात करें, बैंक का अकाउंट होता है जिसमें आप लेन देन करते हैं। बैंक का अकाउंट का प्रोसेस ऐसा होता है कि उसमें टाइम लग जाता है। जी हाँ, अब बैंक में आप काफ़ी टाइम से लेन देन कर रहे हैं, तो भाई आपके पास चेकबुक भी होगी, आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी होगा। जी हाँ, उसका लेन देन भी पेंडिंग पड़ा रहेगा होगा, तो उसको आप बंद कराओगे तो उसमें समय लग सकता है। जी हाँ, क्योंकि जो कार्ड से रिलेटेड है उसका लेन देन है, तो उसको बैंक 10 से 15 दिन का समय ले लेती है, तो उसको निपटा के, ये नहीं कि पेंडिंग छोड़ के आप अचानक से इंडिया आ गए, तो आपको फिर दिक्कत पीछे से होगी भाई, दोबारा आप जाओगे तो एयरपोर्ट पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखिए। जी नंबर पॉइंट पे बात करें कि अपने वीज़ा से रिलेटेड। जी हाँ भाई, आपका वीज़ा मान लीजिए पड़ा है 2 साल का, अभी लगा है, 6 महीने 7 महीने बाद आपको लगा कि बस यार अब बहुत है, हमें इंडिया जाना है, पूरा सिस्टम तामझाम खत्म करके वापस इंडिया सेटल होंगे। जी हाँ, तो उस दौरान आपका वीज़ा ख़त्म करना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। आप वीज़ा ख़त्म कैसे कर सकते हैं भाई, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे आज आपने वीज़ा ख़त्म करोगे तो 30 दिन आपके पास एक ग्रेस पीरियड टाइम होता है कि 30 दिन के दौरान आप वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी रह सकते हैं, उसमें आप ज़रूरी अपने जो भी निपटान है वो ख़त्म करें, उसके बाद भी यही छोड़ सकते हैं। 30 दिन के बाद भी अगर आप दुबई में रहते हैं तो आपके खिलाफ में फिर आपका जुर्माना लगना स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, हालांकि वीज़ा ख़त्म करवाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वीज़ा कैंसिल करवाते हैं तो आपने जिनसे रिस्पॉन्सर्ड है आपका, या फिर आपका मालिक नियुक्ता है, कंपनी है, वो आपका वीज़ा कैंसिल करवाएगी। वहाँ पर भी आप अगर नहीं करवाना चाहते तो दुबई में आपको पता है टाइपिंग सेंटर है, वहाँ पर आप जाके अपना वीज़ा कैंसिल करवा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी अपना वीज़ा ख़त्म करवा सकते हैं। GDRFA की आप साइड आपको पता है, वहाँ पर जाके भी अपना वीज़ा कैंसिल करवा सकते हैं। जी हाँ, सिंपल सी बात है, वीज़ा ख़त्म करवाने में इतना को टाइम नहीं लगता है, तुरंत से वीजा कैंसिल हो जाता है, तो आपको वीजा कैंसिल करवाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। जी हाँ, 9 नंबर पॉइंट पे बात कर लेते हैं, अन्य बहुत सारे लेन देन होते हैं यार, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, आपके दोस्त भी हैं, आपके हो सकता है वहाँ रिश्तेदार रहते होंगे, कंपनी के साथ लेन देन होगा, अपने साथ में स्टाफ के साथ में लेन देन होगा, जो भी आपने किसी को दे रखे होंगे, कुछ भी पैसा है, कोई कुछ भी वस्तु वगैरह कोई चीज़ दे रखी होगी या ले रखी होगी,
तो उनका भी लेन देन निपटाना जरूरी है। कहीं पता चले कि अचानक से, कई बार देखने को मिलता है ना कि यार अचानक से इंडिया आना पड़ा, हमें किसी ने को पैसे देने थे, वो हमें हमने नहीं दिए, या हमने दिए बिना हम इंडिया आगे पीछे से वो गाली दे रहा है, पता लगा रहा है कि बंदा कहाँ का है, समझ रहे हो, सोशल मीडिया पर वायरल होना, ये गलत बातें हैं। तो ये पूरा मैटर खत्म करें, अगर आप किसी से मांगते हैं तो उनसे लें, अगर आपके कोई मांगता है तो मैटर खत्म करके आएं ताकि पीछे से कोई आपको गाली न दे। जी हाँ, 10 नंबर पे बात कर लेते हैं, अन्य प्रकार के कई मसले होते हैं जो निजी हो सकते हैं आपके, जिनको सोशल मीडिया पे भी बताना संभव नहीं, आपके निजी पर्सनल कोई भी मैटर है उसको ख़त्म करें ताकि जिसके साथ भी कोई मैटर है उसको संतुष्टि रहे और आपको भी रहे कि भाई हमारा कोई लेन देन नहीं है, आज तक जो भी था ख़त्म हो गया, अब ये अपने हम अपने, जो भी आपका लेन देन व्यवहारिक था, पर्सनल था या व्यवहारिक था या बिजनेस से रिलेटेड था, जो भी था उसको ख़त्म करके आप आए। तो साथियों ये 10 पॉइंट मैंने आपको बताए कि अगर आप यूएई छोड़ते हैं या किसी भी देश को छोड़ते हैं तो ये 10 पॉइंटों को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए ताकि पीछे से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आराम से इज्जतदारी से आप अपने घर आ सके। बस ये अपडेट देनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।